देखिए, बीजेपी जैसे ही चुनाव आएगा ना वो बेरोजगारी पे बात करेंगे ना महंगाई पे बात करेंगे। आप कल्पना करिए कि पुलिस अगर किसी को अर्धनग्न कर दे, कपड़े उतार दे, पुलिस प्रशासन अधिकारी मिलकर के बुलडोजर चला करके माँ बेटी की जान ले लें, क्या ये देश के होम मिनिस्टर के लिए चिंता का विषय नहीं है? आखिरकार देश के होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कर रही है, क्या उनकी जानकारी में नहीं है? आज उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ है, याद कीजिए बलवंत सिंह, उसकी हत्या पुलिस ने की और उसी के बगल में प्रशासन ने, जिसमें पुलिस थी, अधिकारी थे, और उसका पिता, उसके परिवार के लोग जिलाधिकारी के धरना दिए, और उसके बेटे को आप न्याय मांगने जाए कोई बेटा, उसके आप कपड़े उतार देंगे, नंगा करेंगे आप? क्या ये देश के होम मिनिस्टर के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो राम राज्य की बात कर रही है उसमें एक ब्राह्मण समाज के माँ बेटी की बुलडोजर जान ले ले और उनके बेटे को अर्धनग्न कर दिया जाए, क्या ये चिंता का सवाल नहीं है? इसलिए सवाल ये है कि न्याय गरीब को मिलेगा इस सरकार में क्या नहीं? योगी जी कह रहे हैं, योगी जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, चार देखिए वो क्या सरकार में है, मंदिर क्या 5-स्टार होटल बना दे, और सरकार में जो चाहेंगे वो बनाएंगे। सवाल ये है कि जनता को क्या मिल रहा है? आज चिंता व्यक्त की, एक विधायक की मृत्यु हो गई, नया विधायक था, कम उम्र का था, हो सकता है उसके जीवन में अगर रहता तो न जाने कहाँ पहुँचता, उसके पिताजी सांसद समाजवादी पार्टी से रहे और दलों से भी रहे, वो किसकी वजह से उसकी जान चली गई? कैंसर की वजह से। आज कैंसर की वजह से कितने लोगों की जान जा रही है? आप कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं बनाएंगे, आप अस्पताल नहीं बनाएंगे, आप सरकार के लोग हैं, खुद अपना मंदिर बनाना चाहते हैं। कल बजट पेश होगा अखिलेश जी, क्या लगता है? भाई 6 बजट आ चुके हैं, क्या मिला किसी को? जब 6 बजट में किसी को कुछ नहीं मिला और किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल डीजल पेट्रोल बढ़ा है, सब्जियां महंगी होंगी, खाने पीने का सामान महंगा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन विभाग बर्बाद हो जाएगा, हर विभाग में महंगाई बढ़ेगी, काम रुक जाएगा, सड़क महंगी बनेगी, अस्पताल महंगे बनेंगे, आपके और शिक्षा की संस्थान महंगे बनेंगे। डीजल पेट्रोल का मतलब केवल गाड़ी से भराने तक नहीं है, उसका असर घर, मकान, अस्पताल और तमाम चीज़ों पे भी पड़ता है। आखिर सरकार क्या करेगी? इसीलिए सरकार खर्च नहीं कर पाई। मान लीजिए सड़क पे पैसा खर्च होना था, इस सरकार ने डीजल पेट्रोल पे जो कीमत बढ़ाई है उसी की वजह से तो सड़कें नहीं बन रही हैं, ठेकेदार को ठेका दे दिया, अब डीजल पेट्रोल कीमत बढ़ा दी आपने, तो ट्रांसपोर्टेशन से क्या हुआ, बालू गिट्टी मोरंग महंगा हुआ कि नहीं महंगा हुआ, सड़क की कीमत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो ये डीजल पेट्रोल का सवाल है, ये हमारे लिए बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। आप सपना दिखा रहे हैं कि 40 लाख करोड़ हम जमीन पर उतारेंगे पैसा, जिस सरकार ने बुलडोजर चला दिया हो गरीबों पर, ये तस्वीरें दुनिया में जाएंगी, और अगर बीबीसी जैसी संस्था पर अगर छापा मारेंगे आप, डराएंगे चैनल्स को, क्या उम्मीद करते हो दुनिया के लोग आपके इन्वेस्टर ने आएंगे? वो आए थे, घूम गए, टेंट दूसरे दिन खाली थे, सरकार ये नहीं बताएगी कि टेंट में रुकने वाले लोग नहीं थे, जो हजारों करोड़ के टेंट बने थे, टेंट सिटी बना था, मैं बनारस के टेंट सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक यहाँ भी इन्वेस्टमेंट के लिए टेंट सिटी बना था, आप पता करिए कितने इन्वेस्टर उसमें रुके थे, सब खाली थे।